हमीरपुर जिला के सुजानपुर मंडल की ग्राम पंचायत बजरोल में कोरोना वायरस के दो संक्रमित व्यक्तियों के मामले सामने आने के बाद इनके प्राथमिक व द्वितीय संपर्कों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। दोनों में आरंभिक लक्षण नहीं है और इन्हें जिला में स्थापित कोविड केयर सेंटर में भेजा गया है। उपायुक्त हमीरपुर ने बताया कि आरंभिक जांच में ये पता चला है कि दोनों व्यक्ति 30 अप्रैल को पंजाब नंबर की टैक्सी से होते हुए यहां पहुंचे थे। अब हमीरपुर जिला में कोविड संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 4 हो गई है। डीसी मीणा ने बताया कि एक संक्रमित व्यक्ति टैक्सी में बजरोल गांव के 50 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की पत्नी भी साथ आई थी। इस व्यक्ति के नजदीकी परिजनों में 5 लोगों की पहचान प्राथमिक संपर्कों के रूप में की गई है। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति पलाबू गाँव के 30 वर्षीय व्यक्ति के 8 प्राथमिक संपर्कों का भी पता चला है। इन सभी नमूनों को जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। आज 12 मई को सुबह के टाइम पे सुजानपुर सब डिवीजन के बजरोल ग्राम पंचायत में 2 केसेस आइडेंटिफाई किए हैं, पॉजिटिव आए हैं। डेट थे, एक बजरोल विलेज से थे, ग्राम पंचायत बजरोल। इसकी उम्र लगभग 50 में इसकी उम्र है। दूसरा कैंडिडेट पलाहू विलेज उसी ग्राम पंचायत बजरोल से हैं। और ये दोनों जो पॉजिटिव केस आए हैं, ये लोग 30 अप्रैल को दिल्ली से निकले थे। सेम टैक्सी, पंजाब नंबर की टैक्सी थी, उसमें ये लोग 4 लोग थे। इनके हमने दो इनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। जो पहला केस है, जो 50 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति है, इनकी वाइफ इनके साथ थी और इनके जो फैमिली मेंबर हैं, 5 फैमिली मेंबर, वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं। उसी तरीके से जो दूसरा केस है फलाहू विलेज से, उनके 8 फैमिली मेंबर प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन चली हुई है। और जो टैक्सी है जिसमें 4 लोग आए थे, 3 तो बजरोल विलेज से ही हैं, 2 को। ये भी पता चला है कि कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति गांव सीरी डाकर कक्कड़ में अपनी निकट रिश्तेदार के घर में रुका था। ऐसे में इस परिवार को क्वारंटीन का नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ग्राम पंचायत ऊल के मंडियार गांव का एक व्यक्ति भी दिल्ली से इनके साथ यहीं पे आया था, जिसे इन्होंने टोनदेवी में टैक्सी से उतारा था। उसके भी नमूने जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। तीसरा इनके साथ टैक्सी में को पैसेंजर था, वो गांव मडियार पंचायत पुल टोनी देवी में ड्रॉप किया था। उसका भी हमने टोनी देवी की टीम को बोल के आज सैंपल उठवाएंगे। तो इस तरीके से ये काफ़ी हमारे लिए चिंता का विषय है कि बार बार डायरेक्शन के बाद डायरेक्शन क्लियर है कि कितने लोग टैक्सी में आने हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको आते ही किसी से नहीं मिलना। अगर आपको बॉर्डर पर चेक किया है, इन्फॉर्मेशन जाती है, आपको होम क्वारंटाइन हो जाना था सीधे। बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग आए और जो पहला केस है, ये सारे अपने ब्रदर इन लॉ के यहाँ रुके, प्लेस सीरी में पोस्ट कक्कड़। तो उनको भी, उस फैमिली को भी हमने प्राइमरी कॉन्टैक्ट में लिया है, उनका भी हम सैंपल उठाएंगे। बट दिस इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ स्पिरिट कि आपको सीधे आना है, किसी से मिले बिना अपने आप को घर में आइसोलेट कर लेना है। तो उसी दिन आपके पास मेडिकल टीम जाएगी, सर्विलेंस टीम जाएगी, आपका सारा फॉलोअप करेंगे और हर दिन जाते हैं। बट आप इन बिटवीन दूसरी फैमिली को भी डेंजर में पुट करते हो, तो इसमें हम जो भी लीगल कार्रवाई होगी लीगल कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में 25 अप्रैल के उपरांत अभी तक बाहरी राज्यों से 14,000 से ज्यादा लोग घर पहुंचे हैं। इनमें से 9,000 लोग रेड जोन में आ गए हैं। हमीरपुर जिला में आगामी दिन कर्नाटक से रेल के माध्यम से भी करीब 100 लोगों के आने की सूचना है और इन सभी को क्वारंटाइन केंद्रों में ही रखा जाएगा। ये जो दो केस पॉजिटिव आए हैं, इनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। हमारे पास लगभग 14,000 लोग होम क्वारंटाइन में हैं जो पिछले 10-15 दिनों में आए हैं, 15 दिनों में 25 अप्रैल के बाद में। स्पेशली जो रेड जोन से आए हैं, वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में लगभग 9,000 लोग आए हैं। 9,000 में से हम लोगों ने काफ़ी भी सैंपल्स उठाए हैं और सैंपल्स का आंकड़ा हमारे बढ़ा है। कल भी 203 सैंपल गए हैं। तो इसी कंटिन्यूटी में हम लोगों ने सैंपल उठाए थे इनके और ये पॉजिटिव आए हैं। और इस केस के माध्यम से जो बिजड़ीवा केस आया था, तब भी हमने अपील की थी कि
कि FIR इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। आप आ रहे हैं क्वारंटाइन के रूल्स, सबको पता है कि आप कंटेनमेंट रेड जोन से आ रहे हैं, रेड जोन से आ रहे हैं पर्टिकुलरली आपको केयरफुल रहने की जरूरत है।